सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, उसी का स्ट्रक्चर है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, जो मैंने थोड़ा सा ड्रॉ भी कर दिया है। दिस इज नोन एज लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाईलेयर। हम बाईलेयर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज, और बाईलेयर ही क्यों प्रेजेंट होती है? बिकॉज दिस टेल, लिपिड्स के दो रीजन होते हैं, द टेल रीजन एंड हेड रीजन। दिस टेल रीजन इज हाइड्रो हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वाटर फियरिंग और वाटर हेटिंग होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। एंड हेड रीजन इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग होता है। ठीक है, ये लविंग है और वो फियरिंग है। तो बाईलेयर, बाईलिपिड लेयर क्यों होती है? बिकॉज ये रीजन वाटर फियरिंग है। तो मेम्ब्रेन अगर सिंगल लेयर होगी इस तरीके से, तो इस रीजन में अंदर साइटोप्लाज्म में वाटर कंपोनेंट्स होते ही हैं, तो ये कैसे फिर ऐसे एग्जिस्ट करेगी? इसीलिए बाइलिपिड लेयर होती है, ताकि दोनों ही रीजन्स में टेल अंदर की तरफ रहे ना, वो आउटर साइड से वाटर कंपोनेंट्स के साथ कांटेक्ट में आए, और ना ही वो इनर साइड से, सेल के इनर साइड से वो वाटर कांटेक्ट में आए। ठीक, सो दिस इज लिपिड लेयर, जिसमें टेल रीजन है, हेड रीजन है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। दीज आर प्रोटीन्स, एंड दिस प्रोटीन इज नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक यानी के बाहरी, जो इस लिपिड लेयर के बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ से भी और इस आउटर साइड में भी बाहर की तरफ है, तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। और इस तरीके से एम्बेडेड प्रोटीन्स को हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी जो लेयर में एम्बेडेड है, अंदर की तरफ है। एंड दिस प्रोटीन्स आर, दिस काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर नोन एज ट्रांस मैम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मैम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांस मैम्ब्रेन प्रोटीन्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे आर मूविंग प्रेजेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एंड दे फॉर्म अ पोर लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो। सो दिस स्ट्रक्चर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम आउटर साइड टू इनसाइड और फ्रॉम इनसाइड टू आउटर साइड। सो दे आर नोन एज ट्रांस मैम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो मैम्ब्रेन के अंदर बाहर तक पार्टिकल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, या मटीरियल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वी कैन से लाइक दैट। सो दिस इज द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड बाईलेयर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिस इज 2D स्ट्रक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे हमने पहले ही कहा, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनी सेल, सो इट प्रोटेक्ट the cell from outer environment, from outer environment. Second important function is it gives proper shape to the cell. Next function can be, as it is selectively permeable, so it allow substance to go
इट अलाउ ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंसेस टू गो इनसाइड एंड मूव आउटसाइड. द नेक्स्ट इट ऑल्सो हैव सम केमिकल्स प्रेजेंट ऑन इट सरफेस विच हेल्प टू रिकोगनाइज द फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि अनवांटेड और फॉरेन पार्टिकल्स को वो रिकोगनाइज करने में हेल्प करते हैं वो केमिकल्स, सो दैट कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर अनवांटेड या वेस्ट पार्टिकल जो है वो ना जा सकें. सो ये एक डिफेंड मैकेनिज्म की तरह एक्ट करती है, डिफेंस सिस्टम की तरह एक्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है इस तरीके से. ठीक, ये एक बैरियर की तरह भी एक्ट कर रही है क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रही है, तो आप इस तरीके से भी और फंक्शन बना सकते हैं, एक्ट एज अ बैरियर. और इसके अलावा आप कह सकते हैं ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है, यानी कि सेल का साइटोप्लाज्म के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करती है, मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट. सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सेल वॉल को डिस्कस करेंगे बिकॉज दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल. सो अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन स्ट्रक्चर और हमने उसके फंक्शंस को डिस्कस किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मा सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. थैंक यू.